वर्ल्ड फूड फेस्टिवल पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मार्गदर्शन दिया वो आप में अनूठा था, और क्या संभावनाएं छत्तीसगढ़ में अलग अलग राज्यों में, और कितनी हम संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ फिशरी से लेकर एग से लेकर अलग अलग फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर कोल्ड चेन बनाने से लेकर, और एक बड़ा सेक्टर है जिसका दोहन करना बाकी है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के खाने के तरीके हैं, उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में रोजगार का इतना बड़ा अवसर इससे होगा कि जिससे करोड़ों लोग इससे जुड़ सकते हैं। इस संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये आज का जो इवेंट है और 3 दिन तक चलने वाला वर्ल्ड फूड फेस्टिवल है वो बहुत उपयोगी होगा, और हर राज्य के लोग एक दूसरे से अलग अलग इंडस्ट्री के साथ मुलाकात होगी। हम मेरा भी लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ अलग से 1-to-1 मुलाकात होगी और उनसे छत्तीसगढ़ के संभावना के बारे में बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ की भूमिका कहें तो ग्लोबल फेस्टिवल के जरिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा शेयर छत्तीसगढ़ करा है, GDP में हमारे छत्तीसगढ़ की 15-16% है, इसको और ग्रोथ करने की संभावना है, और ये एक नया क्षेत्र में हम और तेजी से काम करेंगे।